अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। चारित्र याने आचरण नहीं, चारित्र याने दृष्टि। क्या बताया? विजन। ये बाहर का चारित्र तो उदय कर्म है, क्या है वो पुरुषार्थ में नहीं आता है। ये ज्ञान दर्शन का चारित्र अंदर का है, ये बाहर का नहीं है। बाहर का चारित्र तो उदय कर्म है, अच्छा है तो भी उदय कर्म और बुरा है तो भी उदय कर्म, वो हमारे हाथ में नहीं है। समझ में आया? वो हमारे हाथ में नहीं है। सम्यक ज्ञान, दोनों विजन है। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र भी विजन ही है, मगर वो एक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ उसके साथ है तो विजन, वो उल्टा विजन है, रॉन्ग विजन। मगर वो विजन रिलेटिव सत्य के बेस पर है, और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान वो रियल विजन के ऊपर है, वो रिलेटिव के ऊपर है, ये रियल के ऊपर है, ये टेम्पररी के ऊपर, ये परमानेंट के ऊपर है। दोनों दृष्टि ही है, क्या है मगर दोनों दृष्टि का बेस क्या है, अलग अलग है। एक रिलेटिव सत्य के बेस पर है, एक सनातन सत्य के बेस पर है, बस दोनों का बेस अलग है मगर है दोनों दृष्टि। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन वो भी दृष्टि है, और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन वो भी दृष्टि है, दोनों दृष्टि ही है। वैसा मानना मतलब हम अगर एग्जाम्पल दो ना तो मालूम हो कि आप क्या एक्सप्लेन करते हो। जो जैसा है वैसा ही देखना का मतलब है सिद्धांत रूप से जैसा है वैसा देखो, व्यवहार से जैसा है वैसा मत देखो, सिद्धांत से। सिद्धांत का मतलब जो सनातन है उसी दृष्टि से आप अवस्था को देखो, अवस्था को सनातन सत्य की दृष्टि से देखोगे तो शरीर टेम्पररी है और आत्मा परमानेंट है। शरीर कुदरती रचना है, शरीर की अवस्था कुदरती रचना है, और आत्मा अपने स्वभाव से बना है, वो कुदरती रचना नहीं है। शरीर को चलाने वाला भी कुदरत है, आत्मा अपने स्वभाव से चलता है। तो जैसा है वैसा जानो, इसको कुदरती रचना के रूप में देखोगे तो जैसा है वैसा ही आप कहते देखते हो, मगर इसको ऐसा देखोगे मैंने किया मेरा है तो ये मिथ्या दृष्टि मिथ्या ज्ञान हो गया। जैसा का मतलब होता है शाश्वत दृष्टि। क्या बताया? हम अभी दुनिया को देखते हैं व्यवहार दृष्टि से, कैसे देखते हैं वो दृष्टि सही नहीं, वो दृष्टि यहां जन्म मरण के चक्कर को चालू रखती है, कंटिन्यूअस, कभी स्टॉप होने नहीं देती, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन। समझ में आता है ना? वही चारित्र, जो जहां राग नहीं है, जहां द्वेष नहीं है, जहां कसाई नहीं है,
वही तो सम्यक चारित्र है जिससे मुक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। ये चारित्र तो पाप पुण्य का खेल है और ये तो उदय कर्म है, ये पुरुषार्थ नहीं है। वो तो मैंने कहा नहीं, दुनिया अज्ञान से चलती है। क्या बताया है? कैसे चलती है? और जिसको सही ज्ञान हो गया उनकी दुनिया समाप्त हो गई। महावीर की दुनिया समाप्त हो गई, हमारी नहीं हुई, क्योंकि हम अज्ञान को ही ज्ञान मानते हैं। तो फिर क्या होगा? तो उसमें महावीर की तो गलती है नहीं, हमने गलत माना तो हमको ही भुगतान करनी पड़ेगी। तो मैंने इसीलिए कहा कि तप करना, जप करना, पूजा पाठ करना, माला गिरना, आरती करना, जो भी करना है वो प्रकृति अपने उदय कर्म के अधीन करती रहेगी। मगर आप इसको पुरुषार्थ समझोगे तो ये अज्ञान है, इससे पुण्य बनेगा। मगर अज्ञान वही का वही, और मुक्ति के लिए अज्ञान को निकालने की जरूरत है, प्रकृति को सुधारने की जरूरत नहीं, अज्ञान को निकालने की जरूरत है। आप समझे ना? और कोई भी शुभ क्रिया करोगे कर्ता भाव से तो पुण्य तो अपने आप बनेगा, मगर अज्ञान वही रहेगा जो कहीं अवतारों से है, अज्ञान नहीं जाएगा। और मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो बेसिक कंडीशन अज्ञान को डिमोलिश करो, ये बेसिक कंडीशन है। प्रकृति को सुधारने की बात या बदलने की बात नहीं है। अज्ञान मान्यता हो एने दीदी उड़ावी, वाधा ने वच का सौ, अज्ञान मान्यता हो एने दीदी, परंतु वाधा वच का गया वही क्या भाई? सम्यक दर्शन को प्रबल बनाने का सिंपल रास्ता है अपने पांच इंद्रियों से जो कुछ भी अवस्था अनुभव में आती है इसको मैक्सिमम कुदरती रचना के रूप में देखने की कोशिश करो। हैं? सिंपल है वो, मुश्किल लगता है? तो ये दुनिया में असंसारी कौन है? तो फिर आपने कहा मैं संसारी हूं और सभी संसारी है, तो फिर वो बताने की जरूरत क्या है फिर? मगर वो है तो संसार में ही ना। वही कहता हूं ना कि जो सरल है वो हमको डिफिकल्ट लगता है और जो डिफिकल्ट है वो हमको सरल लगता है, यही तो सबसे बड़ी अज्ञानता है। जो ज्ञान वास्तविक है, वास्तविक समझते हैं, इसको ही दृष्टि से समझना है या दृष्टि से उसका उपयोग करना है, उसमें क्या डिफिकल्टी है? जो अज्ञान सही नहीं है इसको ज्ञान मानना या सही मानना वही तो डिफिकल्ट है, मगर वो हमको सरल लगता है। इसीलिए तो कहा ना अज्ञान मान्यता। अज्ञान मान्यता क्या बताया? बांधा ने वच
आरोपी माही जज, आरोपी माही जज कहे छे अमोने आत्मा रूपे जो जीत। अंदर आरोपी है वो कहता है अगर आपको संसार से मुक्ति पाना है तो एक ही साधन है, बस मैं आत्मा के अलावा कुछ नहीं हूँ, वही संसार से मुक्ति पाने का सरल साधन है। आत्मा के अलावा जो कुछ भी हो वो तो संसार का ही तो है, मगर संसार का जो है वो मेरा है मानना वही सबसे बड़ी अज्ञानता, और वही अज्ञानता को निकालना है और किसी को निकालना नहीं है। समझ में आया? वही अज्ञान मान्यता को निकालना है। ध्यान में बैठते हैं तो अच्छी बात है, मगर ध्यान किसका करेंगे? बिना ज्ञान ध्यान नहीं होता है, जैसा ज्ञान वैसा ध्यान। ध्यान में बैठते हैं वो अच्छी बात है, गलत नहीं है, मगर ध्यान कैसे करोगे बिना ज्ञान? आपको जो ज्ञान है वैसा ध्यान करोगे और वही आपको फल मिलेगा। समझ में आया ना? तो सबसे पहले हमारा ज्ञान दर्शन सही चाहिए, तो अपने आप ध्यान सही हो जाएगा। व्यवहार का जितना ज्यादा चिंतन इतना व्यक्ति पजल वाला। क्या बताया? ज्यादा चिंतन। क्यों क्यों ज्यादा चिंतन बोला? क्योंकि जो होने वाला है वही, और चिंतन करने से आज टेंशन में आ जाते हो, उसमें तो जो होने वाला है उसमें परिवर्तन, मगर सोच सोच के आप क्या आपका दिमाग संसारमय बना देते हो। बाहर की अवस्था तो संसार में है ही, मगर आपका मन बुद्धि भी संसारी हो जाता है। समझ में आया? ऐसा ये संसार कैसा है? इस संसार में मोह कैसा है? मोह एक जंगल था, और जंगल के अंदर जो मटकी होती है ना, मटकी वो जमीन के अंदर फंसाई थी आधी, और आधी मटकी ऊपर थी। तो वो मटकी कैसी थी? कुंजा, कुंजा समझते हैं ना, ऊपर से छोटा होता है नीचे से बड़ा होता है, जैसे कुंजे आकार की मटकी थी वो फंसाई हुई थी, और अंदर थोड़े चने डाले थे। तो फिर ऊपर का भाग तो बहुत छोटा था, नीचे का भाग बड़ा था, तो बंदर ने ऐसा हाथ डाला तो अंदर गया, थोड़ा सीधा कर दिया तो हाथ, फिर क्या किया? चने की मुट्ठी भर दिया, फिर निकालने की कोशिश करते हैं, अभी क्या होगा? निकलेगा? तो वो जोर जोर से अपने दूसरे बंदर को चिल्लाते हैं कि किसी ने मेरे को पकड़ा है, किसी ने मेरे को पकड़ा है, आप मेरे को बचाइए। मैं किसने पकड़ा है? आप समझे? ऐसे हम क्या करते हैं, अपनी ये मन बुद्धि चित अहंकार की बुद्धि से ये दुनिया के अंदर यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, वो पकड़ के रखते हैं, फिर बोलता है हम दुनिया से नहीं छूट सकते हैं। मगर कैसे छूटेंगे? ये इतना सारा बंडल पड़ा है आपके अंदर रॉन्ग बिलीफ का, उसको छोड़ोगे तो छूटोगे ना, इसके साथ तो नहीं छूट सकते हैं ना। तो ये बिलीफ है, क्या है बिलीफ?
तो बिलीफ से छोड़ने का है। क्या है ये बिलीफ से ही तो हम पकड़ के रखते हैं, बिलीफ से। और यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। माइक माइक नहीं बोलिए, माइक में ये आपको देते माइक बंद है। अहंकार को तोड़ना नहीं है, अहंकार को सम्यक करना है। क्या करना है? ये मिथ्या को तोड़ना है और सम्यक को फॉलो करना है। क्या करना है? ये लोग बोलते हैं कि अहंकार को निकाल दो, ये रॉन्ग बिलीफ है, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अहंकार तो चाहिए, अहंकार के बिना पुरुषार्थ कौन करेगा, निश्चय कौन करेगा, भाव कौन करेगा। मगर ये लोग को मालूम नहीं होता है सिद्धांत क्या है, तो ये गड़बड़ कर देते हैं। तो अहंकार को निकालना नहीं है, अहंकार को मोड़ना है, मिथ्या की जगह सम्यक की ओर मोड़ना है। वो मिथ्या अहंकार हुआ ना, तो इसलिए उसको मोड़ना है। क्या करना है? तो भाई हम इसमें सुख मानते हैं, वास्तव में इसमें सुख नहीं है, आत्मा में सुख है। हम इसको पाना चाहते हैं, मगर पाना और उसको छोड़ना ये सब कुदरती अवस्था है। तो ये सम्यक अहंकार हो गया है? वाद विवाद खड़ा तब होता है जब इंसान कोई भी चीज को समझा नहीं पाते हैं, या तो वो खुद नहीं समझ सकता है। तो हमको वाद विवाद नहीं होता है, हम इतने सारे लोगों के साथ सत्संग करते हैं, देश विदेश में नए नए व्यक्ति भी आते हैं, वाद विवाद नहीं आता है। वाद विवाद आज एक क्या कहते हैं, एक योगी के पास गए थे हम 97 इयर्स के, तो कोई भी वाद विवाद नहीं थे, शांति से बात किया, उनकी बात भी सुना, हमने प्रश्न भी किया, उनका उत्तर भी सुना, कोई वाद विवाद नहीं। भले ही उनकी मान्यता अलग है, हो सकता है हम इसको सुनेंगे, सुनने के बाद प्रश्न भी करेंगे, मगर वाद विवाद नहीं करेंगे, मैं सही आप गलत ये सब्जेक्ट ही नहीं होना चाहिए। व्यवहार में हमारी बात कोई नहीं मानता है तो इतना समझ लेना कि ये बात जो है वो उनके लिए मानने के लिए लायक नहीं है। हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो उनको मानने के लिए लायक नहीं है। बात शायद सही होगी आपकी, आपका इंटेंशन भी सही होगा, मगर प्रेजेंटेशन सही नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तो सामने वाला वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। आप समझे? तो फिर भी उसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमको तो यही सोचना है कैसे भी करके हर अवस्था में एक दूसरों के साथ संभाव रहे। क्या रहे? बस कौन सही कौन गलत वो देखने की ज़रूरत नहीं है। समभावे निकाल, एक दूसरों के साथ व्यवहार करते समय हमारे अंदर संभाव रहना चाहिए। बस सामने वाले के अंदर रहता है कि नहीं वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। आप समझे ना? राम का रावण मानते हैं कि नहीं वो नहीं देखना है, राम को संभाव होना चाहिए। बस रावण में है कि नहीं वो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो दुनिया में तो ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। आज कलयुग में किसी के पास कुछ भी सुनने का समय नहीं है। क्या बताया? ज्यादा से ज्यादा समय ये मोबाइल खा जाता है।